आओ बेटा अब हम कर रहे हैं एलिप्स। एलिप्स क्या होता है पहले इसके डेफिनेशन लिखते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा है नोट्स में? ओके फिफ्थ एलिप्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स सम ऑफ हूज डिस्टेंसेस From two fixed points from two fixed points is equal। अरे एक वर्ड रह गया इधर, इधर एक वर्ड के लिए स्पेस छोड़ देना ठीक है और ब्रैकेट लगा देना और फिर लिखना इक्वल। क्या मतलब है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स सम ऑफ हूज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, मतलब वो सारे पॉइंट्स जिनकी दूरी किससे? दो फिक्स्ड पॉइंट से, यानी दो फिक्स्ड पॉइंट लिए मैंने, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, वो सारे पॉइंट जिनकी दूरी इन दो फिक्स्ड पॉइंट से, उनका सम क्या हो? इक्वल हो। यानी समझो कैसे, ये दो फिक्स पॉइंट्स हो गए और भी, यानी मेरे को वो सारे पॉइंट्स चाहिए जिनका हर बार सम क्या हो बेटा सेम। यानी ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ, यानी स्पेशलिटी क्यों होनी चाहिए हर बार कि AC प्लस BC इक्वल होना चाहिए किसके? AD प्लस BD के। बात समझ आई? नहीं आई, दोबारा बोल रहा हूँ बेटा। दो पॉइंट ले लिए, वो पॉइंट वो दूरी, यानी सर AB बोला मैंने, ABC, एक और पॉइंट लूंगा D। स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? इस बार सम इक्वल होना चाहिए, सम यानी प्लस करके इक्वल, यानी AD प्लस BD। इसी तरह और लिया मैंने E, क्या हो? AE प्लस BE, ऐसे सारे पॉइंट्स। पहले यहां तक क्लियर हुआ मीनिंग? जब आप इस शेप को बनाना शुरू करोगे, ये आपकी कुछ इस तरह की शेप बनेगी, इसे बोलते एलिप्स ठीक है, समवॉट लाइक दिस। तो आओ इसके नोट्स लिखवाते हैं जरा। पहले जरा इसके पॉइंट ये जो दो फिक्स पॉइंट थे इनको बोलते हैं फोकाए। क्या बोलते बेटा? फोकाए। और इसे रिप्रेजेंट करेंगे सी से, किससे? सी से। अच्छा आप इसमें देखो, इसमें एक लंबा वाला एक्सिस है, एक छोटा वाला। लंबे वाले को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, छोटे वाले को बोलते हैं माइनर एक्सिस, रिप्रेजेंटेड बाय सी। ये क्या होगा? C,0। ये क्या होगा? -C,। यहां रिप्रेजेंट करते ए और बी से, स्मॉल ए और स्मॉल बी। मेजर यानी लंबा वाला, खुद बताओ लंबा एक्सिस कौन सा है? मेजर एक्सिस एक्स। और माइनर, मेजर वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? A,0। इसके क्या हो जाएंगे? 0,B। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -A,0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स 0,-B। पॉइंट क्लियर? इससे पहले इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। आइए बेटा अब बात करते हैं एलिप्स की। हमारे दो टाइप, एक होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, एक होता है वर्टिकल एलिप्स। अभी जो मैंने पीछे बनाया था कौन सा वाला था? क्या लगता है? हॉरिजॉन्टल।
क्यों सर, कैसे पता आपको? क्योंकि इसका मेजर एक्सिस किधर की तरफ था? एक्स एक्सिस था, एग्जैक्टली. सी कॉमा जीरो माइनस सी कॉमा जीरो, ये हो गया इसका फोकस. ठीक है, और ये क्या होगा? ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा बी माइनस ए कॉमा जीरो, जीरो कॉमा माइनस बी. अब फोकस, यहां पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहां पर फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताइए. जीरो कॉमा सी, यहां पर जीरो कॉमा माइनस सी. अंदर क्लियर? अच्छा, यहां मेजर कहां पर है? वाई एक्सिस पे. अब मेरे को ये बताओ, इस मेजर वाले के वर्टेक्स यानी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए जीरो कॉमा ए, जीरो कॉमा माइनस ए. यहाँ पर बी कॉमा जीरो, जीरो कॉमा माइनस बी कॉमा जीरो. ठीक है, ओके. अब इक्वेशन क्या होती है इसकी? इक्वेशन यहाँ से देखिए, ये होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. इसके इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन. यानी यहाँ पर a हमेशा किसको दिखाएगा? लंबे वाले को, यानी बड़े वाले को, मेजर एक्सिस. यानी a इज ग्रेटर देन b. अब एक चीज समझना, अगर क्वेश्चन मांगे फाइंड द वर्टिसेस, क्या बोले मेरे बच्चा? वर्टिसेस. तो वर्टिसेस का मतलब होता है मेजर एक्सिस के वर्टिसेस. किसके? मेजर एक्सिस. और मेजर एक्सिस के यहां वर्टेक्स क्या है? लाउड, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, राइट. और यहां क्या है मेजर एक्सिस के? जीरो कॉमा प्लस माइनस ए. सेंटर क्या है इन सबका? ओरिजिन, जीरो जीरो. क्लियर? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बेटा यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की लेंथ अंडर रूट ना. बेटा क्या होता है, सेंटर है बीच में, जीरो से लेकर बी तक कितना है? ए यूनिट्स. ए से लेकर जीरो तक ए यूनिट्स कितने हो गए? टू ए. यहां पर भी लेंथ टू ए. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, यहां पर भी 2b. इतने टर्म्स नोट करो, फिर मेरे को और लिखवानी है. फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए मेरे बच्चा? प्लस माइनस c कॉमा जीरो. यहां क्या हुआ? जीरो कॉमा प्लस माइनस c, राइट. अब एक मिनट, c निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान रखना. एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सा था? एक्स एक्सिस. और इसका था y एक्सिस. फिर इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी को डिनोट करते बेटा e से. फिर होता क्या है, मैं कभी सिर्फ लिख लेना, e इज इक्वल टू c बाई a. बेसिकली ये रेशियो होता है सर. क्या चीज है उसके ऊपर डिस्कस मैं बाद में करूंगा, पहले टॉपिक कराना है. लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम याद है वो लाइन जो कहां से पास हो? देखो, सेंटर से नहीं मेरे बच्चा, फोकस से. दोनों की लेंथ तो बराबर ही होगी, लेंथ की हम बात कर रहे हैं ना. तो ये जगह टू बी स्क्वायर बाय ए, टू बी स्क्वायर बाय ए. यहां तक क्लियर? अब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट कर रहे हैं हम.
आओ बेटा क्वेश्चन टू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। द वर्टिसेस, वर्टिसेस किसके यानी मेजर एक्सिस के, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, ये सारी चीजें निकालनी है। पहले बताओ क्वेश्चन टू कौन सी वाली फॉर्म से मिलता जुलता है। जल्दी से नोट्स में देखो, सेकंड वाली कौन सी वाली है ये बेटा, सेकंड कौन सी होती है हमारी, वर्टिकल एलिप्स, इससे मिलता जुलता है राइट। तो क्या होती है, एक बार फॉर्म लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी बी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, फोर, और ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 25। पॉइंट क्लियर। तो बी कितना हो जाएगा मेरा, टू, और ये कितना हो जाएगा मेरा, फाइव। अब बात करते क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, फोकाई यानी सी, सी है नहीं, सी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरा सी का, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज सी हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 4 रूट 21। तो फोकाई, यहां फोकाई कहां होगा, वाई एक्सिस पे, ये जगह 0 कॉमा प्लस माइनस सी, दैट इज 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 21। ओके, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है हमेशा 2a, टू इंटू फाइव, 10 यूनिट्स। माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी सर, 2b, यानी 2 इंटू 4, 8 यूनिट्स राइट, 2 इंटू 2 4 यूनिट्स। आगे एसेंट्रिसिटी e, सी बाय सी कितना है, रूट 21, ए कितना है 2, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम ए इज 5, ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम टू बी स्क्वायर बाय ए, 2 इंटू बी स्क्वायर कितना है 4, ए कितना है 25, आंसर इज 8 बाय 25 यूनिट्स। क्लियर, बोलिए ए 5 है, ओके, 8 बाय 5, तो 8 बाय 5 दैट इज 1.6 यूनिट्स, ये लो। क्लियर, आओ बेटा एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करा रहा हूं, मेरे को पूरा क्वेश्चन नहीं कराना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ओनली। क्वेश्चन 9 क्या है मेरा, क्वेश्चन 9 है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ये कौन सी फॉर्म में है, क्या कोई पैराबोला की फॉर्म में है, चेक करना जरा, क्या कोई भी ऐसी फॉर्म में है, ये नहीं है, देख लो इस, क्योंकि पैराबोला के लिए भी इनमें से एक फॉर्म चाहिए। और ध्यान रखना ए हमेशा मेजर एक्सिस बड़े वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर बड़े वाला एक्स के नीचे है तो हॉरिजॉन्टल, बड़े वाला वाई के नीचे है तो वर्टिकल। अब सर यहाँ पे तो कोई भी किसी के नीचे नहीं है, दो मिनट का खेल है बेटे, 36 यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जैक्टली 36 को डिवाइड कर दो, ये दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है, 4x स्क्वायर बाय 36 प्लस 9y स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 36 बाय 36 राइट। क्या बना, एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1, कौन सी फॉर्म बैठ गई बेटा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉल्व हो जाएगा आगे, ये पॉइंट था बस।